राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ हो गया कि अंतरिम बजट में महिला युवा किसान पर फोकस किया जाएगा। अब बजट में इन सेक्शंस को लेकर बड़े ऐलान किए गए। नमस्कार, मैं दीति पौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट का ऐलान कर दिया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान रखते हुए कई वेलफेयर योजनाओं का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ कर दिया गया है कि अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया जाएगा। अब जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उनमें से इन वर्गों पर फोकस किया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं को लेकर कई योजनाओं का ऐलान करते हुए कहा कि 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों को सर्विकल कैंसर का टीकाकरण लगाया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में 28% का उछाल आया है। साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसी विषयों में लड़कियों के एडमिशन लेने में 47% की तेजी आई है। किसानों के लिए इन योजनाओं का ऐलान किया गया। इसके साथ ही बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही 10 लाख रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत किया जाएगा। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही आपको एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बीमा को बढ़ावा भी दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए भी राष्ट्रीय गूगल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जाएंगी। युवाओं को लेकर भी वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, साथ ही 54 लाख अपस्किल या रीस्किल किया जाएगा। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा इंडस्ट्रीज को 43 करोड़ की मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। देश में 3000 नए आईआईटी बनाए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि 2023-24 के लिए घोषित बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकता योजना बचाई गई थी, जिसके तहत अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही सीनियर सिटीजन सर्विंग स्कीम को ब्याज देने के लिए 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।